इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। और सुनिए, जीएसटी ओबीसी वर्ग देता है, दलित वर्ग देता है, पिछड़ा वर्ग आदिवासी वर्ग देता है, और जनरल वर्ग के गरीब लोग जीएसटी देते हैं। तो बीजेपी की सरकारें क्या करती हैं, आपसे जीएसटी लेती हैं, गरीबों से, और बैंक का पूरा पैसा 3-4 उद्योगपतियों को पकड़ा देती है। अदानी, अंबानी, वो 4-5 लोग हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, दो तरीके की सरकार होती है। एक सरकार होती है जो गरीबों के जेब में पैसा डालती है, दूसरी सरकार होती है जो 2-3 बड़े उद्योगपतियों की जेब में पैसा डालती है। तीसरी सरकार नहीं होती, बस दो टाइप की होती है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा दिया। मनरेगा गरीबों के जेब में पैसा है, अमीरों के जेब में पैसा है? भोजन का अधिकार गरीबों के जेब में, अमीरों के जेब में? नोटबंदी, जीएसटी, काले जो कानून लाए थे नरेंद्र मोदी किसान के खिलाफ, अमीरों के जेब में पैसा, गरीबों के जेब में पैसा, ये फर्क है। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, मध्य प्रदेश की जो नींव थी, जो फाउंडेशन था, जैसे किसी भी इमारत में नींव होती है, उस नींव को बीजेपी ने उखाड़ के फेंक दिया है, उठा के फेंक दिया, रद्द खत्म कर दिया। नींव कौन है? नींव किसान है, नींव मजदूर है, नींव बेरोजगार युवा है, छोटे दुकानदार हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो चलाते हैं वो हैं। और इन सबको पिछले 15 साल यहां पे बीजेपी ने खत्म कर दिया है। छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहता हूं, पास में छत्तीसगढ़ है, कुछ दिन पहले कैंपेन में मैं 10-15 किसानों से मिला और मैंने एक किसान से सवाल पूछा। मैंने पूछा, भैया एक बात बताओ, आपकी जमीन, उसकी जमीन पास में थी, मैंने कहा भैया बताओ कि आपकी जो जमीन है इसका रेट क्या है। मैं हैरान हो गया, किसान मुझे कहता है, राहुल जी मुझे रेट नहीं मालूम। मैंने कहा भाई तुम्हें रेट नहीं मालूम, तुम्हें रेट क्यों नहीं मालूम, अपनी जमीन की रेट क्यों नहीं मालूम? कहता है राहुल जी मैं तो इसको कभी बेचूंगा नहीं, मैं बेचना नहीं चाहता जमीन को, अगर मैं बेचना नहीं चाहता तो रेट का क्या मतलब। तो मैंने कहा बेचना क्यों नहीं चाहते हो? कहता है राहुल जी मुझे यहां पे धान के लिए 3,200 रुपए प्रति क्विंटल मिलता है। बीजेपी की सरकार थी, डर लगता था, कर्जे में जीता था, रोज मुझे यह नहीं मालूम होता था कि कब आत्महत्या करने की जरूरत पड़ जाए। भाई और बहनों, मध्य प्रदेश में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है पिछले 18 साल। कर्जे के कारण, क्यों? क्योंकि बीजेपी ने उनको सही दाम नहीं दिया। मध्य प्रदेश में किसान को रेट सही रेट मिलता ही नहीं है,
सही रेट मिलता नहीं है, कर्जा लेना पड़ता है, जमीन बेचनी पड़ती है। छत्तीसगढ़ में किसान कहता है भैया हमें अपनी जमीन का दाम ही नहीं मालूम। वहां पे स्टेज में पिछले इलेक्शन में और यहां मैंने वायदा किया था, छत्तीसगढ़ में मैंने कहा था कि देखिए धान का रेट, 5 साल पहले की बात कर रहा हूं, धान का रेट 2500 रुपए प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ के किसानों को गारंटी करके मिलेगा, पहला वायदा। दूसरा वायदा, छत्तीसगढ़ के किसान का कर्जा माफ होगा। तीसरा वायदा, हर महीने मजदूरों के बैंक अकाउंट में छत्तीसगढ़ की सरकार सीधा पैसा डालेगी। ये तीन वायदे किसानों मजदूरों को किए मैंने और ये हमने पूरे कर दिए। अब हुआ क्या? नहीं, अब हुआ क्या? बीजेपी पैसा देते हैं अदानी जी को, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को, अरबपतियों को। जब बीजेपी की सरकार अदानी को पैसा देती है तो अदानी उस पैसे को कहां खर्च करता है? मध्य प्रदेश में खर्च करता है, आपके गांव में खर्च करता है, कस्बों में खर्च करता है, अमेरिका में जाके घर खरीदता है, जापान में जाके घर खरीदता है, दुबई में घर जाके खरीदता है, दिल्ली में जाके रेस्टोरेंट में खाना खाता है। तो आपका पैसा आपके जेब से निकलता है, जीएसटी से निकलता है, अदानी जी के जेब में जाता है। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।